हे एवरीवन, गुड इवनिंग। और मैं आज का ब्लॉग मैं इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे अनिका की मस्ती चल रही है और मैं यहाँ पे अपने बाल बांधने जा रही थी, तो ब्लॉग भी मैंने स्टार्ट कर दिया। मॉर्निंग से मैंने कुछ भी सूट नहीं करा था, और तो फिर ब्लॉग तो जाना ही था। और मैं डेली सूट करती हूँ, डेली डालती हूँ, क्योंकि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करो। और बहुत मेहनत लगती है गाइस एक ब्लॉग को शूट करने में। और यहाँ पे देख सकते हो अनिका की मस्ती। तो ब्लॉग भी बनी रहिएगा मेरे चैनल पे, जो नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना माय चैनल। तो गाइस मैं वही मैं यहाँ पे चोटी कर रही हूँ और अनिका की मस्ती चल रही है बराबर। और क्या बताऊँ, समझ में नहीं आ रहा है गाइस, वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन ही नहीं करता है मेरा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है गाइस। और आप लोग देखते भी नहीं हो, स्किप करके देखते हो, तो प्लीज़ स्किप करके मत देखा करो। और मैं यहाँ पे रेडी हो रही हूँ, बस मैंने लिपस्टिक लगा ली है। और यहाँ पे लिपस्टिक लगाने के बाद मैं हो जाऊँगी रेडी, और रेडी होने के बाद मैं आज आप लोगों के साथ में कौन सी रेसिपी शेयर करूँगी, तो वीडियो पे बने रहिएगा, आप बिल्कुल कहीं ना जाइएगा। तो गाइस मैं आज शाम से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। शाम के 5 हो गए हैं, बस मैंने अभी अपनी चोटी कर ली है, लिपस्टिक लगा ली, सिंदूर लगा लिया है। और मैं यहाँ पे क्या खा रही हूँ, बिस्किट। मुझे भूख लग गई थी, तो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी भिंडी की सब्जी और रायता लौकी का। तो चलिए जल्दी से भिंडी कट कर लेते हैं। तो गाइज़ ये देखिए भिंडी मैंने काट ली है, और थोड़ी सी बनानी है क्योंकि भिंडी ज़्यादा तो मुझे ही पसंद है। तो मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है, और 2-3 लहसुन है, और सूखे 2 हरे मिर्च हैं, बस इतना ही है। तो भिंडी सबसे ज़्यादा मुझे ही पसंद है, पसंद नहीं, मुझे हाथ से ज़्यादा भिंडी पसंद है। मुझे भिंडी चावल मेरा क्या बताऊँ आपको, बहुत ही ज़्यादा पसंद है। हस्बैंड को मेरी कम पसंद है, लेकिन मैं खाती हूँ ना तो वो भी खा ही लेते हैं मेरे साथ में। तो मैंने यहाँ पे लहसुन डाल दिया है। मैं जैसे बनाती हूँ मैं वो आप लोगों के साथ में वैसी ही रेसिपी शेयर कर रही हूँ, कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिखा रही हूँ मैं, क्योंकि ब्लॉग में कोई फेक नहीं होता है, जैसा होता है वो आपको दिख ही जाता है। तो मैंने प्याज डाल दिया था, फिर मैंने हल्दी और थोड़ा लाल मिर्च और नमक ऐड कर दिया है। इसे कलर और मुझे टेस्ट अच्छा लगता है, इसलिए मैं डालती हूँ। आपकी मर्ज़ी हो तो डालें, ना मर्ज़ी तो ना डालें। तो फिर उसके बाद मैंने ये यहाँ पे भिंडी ऐड कर दी है, और भिंडी को बस ढक देना है, और 1 मिनट में तो वो पक ही जाती है बहुत। फिर क्या, मैं इसे ढक रही हूँ, उसके बाद मैं 1 मिनट के बाद मैंने देखा तो भिंडी मेरी पक चुकी है। तो मैं आज आप लोगों के साथ में 2 रेसिपी शेयर करूंगी, फिर मैं इसके बाद 2 से 3 मिनट तक इनको भून लूंगी अच्छे से, कि जितना भी ये इसका पानी वो मर जाए और भिंडी एकदम से अच्छी हो बन जाए मेरी। तो मैं इनको भून लूंगी। तो मैंने इन्हें 2 मिनट तक भूना था, तो भूनने के बाद देख सकते हो कितना फ़र्क हो गया है भिंडी में, पहले कैसी थी और अब कैसी हैं। तो ये है भिंडी का फाइनल लुक बनने के बाद, कितनी ही अच्छी लग रही है। मैंने तो सारी खा ली थी, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, और हस्बैंड ने भी खाया था, अनिका ने भी खाया। फिर मैं बनाने जा रही हूँ यहाँ पे रायता। आज मैं आप लोगों के साथ में 2 रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो मैं रायता कैसे बनाती हूँ मैं वो भी शेयर करना, मैंने सोचा क्यों ना आज बन रहा है तो शेयर ही कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे लौकी कट कर ये इसका ऊपर का छिकल निकाल रही हूँ, और फिर मैंने यहाँ पे फास्ट कर दिया है, तो मैं छील लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ मैं कैसे। ये आपके पास कद्दूकस हो तो आप उससे भी कस कर सकते हैं, पर मैंने इसी चाकू की मदद से ही कर लिया था। और कुछ कुछ बड़ा हो जाता है तो, लेकिन वो फिर भी वो जब आप पकाते हो ना, उधर मेरी भिंडी बन नहीं थी और तभी मैं काट रही थी, तो वो उसमें पक जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये मैं ऐसे ऐसे करके चाकू उस पर मारती रहती हूँ चारों तरफ, और वो अच्छे से हो जाती है। तो आप लोग ऐसे बनाते हो कि नहीं, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मुझे बताना।
कि किसके घर में ऐसे लौकी का रायता बनता है। तो लौकी के रायते के लिए मैंने थोड़ा सा जीरा लिया है, हींग है और सूखे मिर्च हैं 2 से 3, और थोड़ा सा लहसुन लिया है। तो देखिए, ये देखिए भिंडी, वो मेरी सॉरी भिंडी बोल रही हूँ, मैं उसी कढ़ाई में बनाऊँगी। और लौकी मेरी कट गई है, मैंने आपको दिखा दिया है। और मैं भिंडी बना के मैंने निकाल ली थी, फिर मैंने इसमें जीरा ऐड कर दिया। जीरा मैंने क्यों कम ऐड किया, क्योंकि मैं बाद में इसको फिर से छौंक लगाऊंगी। मेरे वहाँ छौंक बोलते हैं, आप फ्राई जो भी बोलना चाहो बोल सकते हो। तो मैं इसमें दोबारा से लगाऊंगी, इसलिए तो मैं यहाँ पे जीरा ऐड कर दी हूँ और फिर इसमें लहसुन डाल रही हूँ। लहसुन हो जाने के बाद मैं इसमें मिर्च डाल दूँगी, हींग डाल दी है। तो बस यही है गाइस, यही चल रहा है। और आप लोगों के घर में क्या चल रहा है वो भी मुझे बताइएगा। और ये देखिए, आपको लग रहा होगा जल गया है, पर जल क्या, मैंने एक हाथ से कैमरे में यही हो जाता है। बहुत दिक्कत होती है, वीडियो शूट करना कोई आसान नहीं है, क्योंकि एक हाथ से शूट कर पकड़ो और एक हाथ से करो तक तक क्या हो जाता है पता नहीं चलता। लेकिन कुछ कोई नहीं, तो फिर मैं यहाँ पे नमक ऐड कर दूंगी। नमक ऐड करने के बाद इसे ढक दूंगी और फिर मैं इसे देखूँ, जब इसका पानी मर जाएगा तब मैं इसको, ये देखिए मैंने 2-3 मिनट के बाद मैंने खोला था, तो इसमें पानी बिल्कुल भी, लौकी ने पानी अपना ये वो हो गया। फिर मैं इसको फ्राई कर लूँगी। मैंने फ्राई 2 से 3 मिनट तक किया था, फिर उसके बाद मैं इसको ठंडा करने के लिए रख रही हूँ। ठंडा हो जाने के बाद मैं अब क्या करूँगी, मैं इस दही को मैंने फेंट लिया था, फेंटने के बाद मैं सारा इसमें ऐड कर दूँगी। और दही को ठंडा करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि फिर दही फट जाएगा एकदम आप डाल दोगे। तो लौकी की ये रायते बहुत प्रकार से बनते हैं और उबाल के भी बनती है, लेकिन मुझे ये मेथड ज़्यादा सही लगता है, तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ और बनता भी बहुत ही अच्छा है और जल्दी बन भी जाता है। तो बस मैं इसमें दोबारा से एक बार छौंक दूंगी। तो दोबारा से क्या, मैं थोड़ा सा तेल में जीरा ऐड करके और उसे भून लूँगी, फिर इसी में छौंक दे दूँगी जैसे हम लोग देते हैं, तो वही मैं कर लूँगी। तो ये देखिए, तेल में मैंने जीरा ऐड किया है और फिर इसको ऐसे ढक दूंगी, और एकदम से गैस उसमें बन गई थी, ये देखिए बाहर निकल गया। तो देख सकते हो कैसा बना है मेरा रायता, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और जिसे नहीं भी पसंद है उसे भी पसंद हो जाएगा, एक बार ट्राई ज़रूर करना और बहुत अच्छा लगता है। फिर मैंने क्या क्या बनाया है वो भी आप लोग देख लो। तो मेरी थाली लग गई, उधर मेरी भिंडी रखी, इसमें रोटियां रखी, आलू टमाटर की मॉर्निंग की ये सब्जी है, थोड़ी सी लौकी मैंने निकाल ली थी, रायता है। गाइस, डिनर हम लोगों ने कर लिया है और अभी मुझे बर्तन और किचन क्लीन करना है, वो मैं रात में ही क्लीन कर लूँगी। कल है संडे और ये आज ब्लॉग आज ही जाएगा सैटरडे, तो मुझे अभी एडिटिंग भी करना है, फिर अपलोडिंग भी करना है, सब अभी करना है। तो मैं इस ब्लॉग को करूँगी यहीं पे एंड। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी, और सॉरी गेट खुला हुआ है तो बाइक की आवाज़ आ रही होगी, गाड़ियों की। तो आज की रेसिपी मेरी कैसी लगी, और मेरा ये लौकी का रायता जैसे मैं बनाती हूँ, मैंने वैसे ही आप लोगों के साथ में शेयर किया है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है इसमें दिखाया है, और कैसा लगा प्लीज़ बताना ज़रूर। और जो आप लोग ऐसे बनाते हो तो ये भी मुझे कमेंट में बताना, और जो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन के साथ में। तो फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस, गुड नाइट, और खुश रहिए और अपने परिवार का ध्यान रखिए।